हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में कौन सा वर्ग करना होता है इसके बारे में हम आपको बताएं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंदर हमें 5 कौशलों पर कार्य करना होता है। पहला है प्रस्तावना कौशल, सेकंड है प्रश्न कौशल, थर्ड है पुनर्मूल्यांकन कौशल, फोर्थ है श्यामपट लेखन कौशल और 5वां है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। इसके अंदर क्या होता है, प्रस्तावना कौशल यानी कि हम जो लेसन स्टार्ट करते हैं उसकी प्रस्तावना हम किस तरह से बनाते हैं। प्रस्तुत चित्र किसका है, तो हमने चित्र ले लिया। चित्र जो है वो पाठ्य वस्तु के अंदर आएगा कि हमने चित्र के बारे में पूछा तो बच्ची इसके आंसर देगी। ये तो क्या हुआ हमारा प्रस्तावना कौशल। हमें हर कौशल के 2-2 बनाने हैं और इसके अंदर हमने 2-2 बनाए हैं। और इसके बाद संख्या नाम लिखेंगे कौशल के अंदर आएगी प्रस्तावना कौशल। समय 5 से 7 मिनट होगा। कक्षा 6 से लगा के 8 तक लिख लो। इसे भौतिक विज्ञान पाठ वस्तु यानी कि बल के ऊपर हम जो भी बना रहे हैं उसके बाद डेट और सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना फर्स्ट आएगी। ये हमारा क्या है, प्रस्तावना कौशल। और इसके बाद है ये हमारा सेकंड नंबर का कौशल जो था वो है हमारा प्रश्न कौशल। इसके अंदर हम पहले बच्चों को सब कुछ पढ़ाएंगे, उसके बाद जो हमने पढ़ाया उसी के हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल के बाद आता है पुनर्मूल्यांकन कौशल। पुनर्मूल्यांकन कौशल के बाद है श्यामपट कौशल। श्यामपट कौशल के बाद हमारा 5वां कौशल जो है वो है उदाहरण कौशल।